best startup is the one whose products are more like painkillers, not vitamins. That you must have. You must have that product. That's, you know, I mean, solving the problem. It's solving a problem. देखिए रिस्क तो हर समय हम इस समय रिस्क तो जिंदगी के हर पल में है. आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपको मार के चला गया, पता ही नहीं लगा. ऐसा हुआ है हम खुद के साथ, कितने लोगों के साथ हुआ हमारे आसपास. आपके घर में बिजली गिर गई और आप घर जल गया, सब चले गए. ये भी हो चुका है हमारी फैमिली में. तो रिस्क मेरे हिसाब से आदमी कितना भी वो एक, इसके बारे में मैं जोक करता हूँ कि रिस्क फ्री लाइफ जो है वो है कि एक आपने न्यूक्लियर बंकर समुंदर के तले बनाया है, राइट? तो वहाँ ही रिस्क फ्री लाइफ है. उसमें कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ आपके पास सब खाना वाना है, मान लीजिए जीने का वो है, जीने की चाहे वजह ना हो बट जीने का तरीका है आपके पास. और आप न्यूक्लियर बंकर जिसमें आपको न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी, कोई आपको मार नहीं सकता वहाँ पर, उसमें आप रह रहे हैं, तो वो रिस्क फ्री लाइफ है. तो रिस्क हर समय है हमारी ज़िंदगी में. नाउ कमिंग स्पेसिफिकली टू स्टार्टअप्स की, see, आपको जो रिस्क स्टार्टअप्स में आते हैं कि आपने मान लीजिए तैयारी किया, प्रोडक्ट लॉन्च की और मार्केट टैंक हो गया, तो कुड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट? वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दीज थिंग्स. रिस्क का मतलब ये रिस्क जो है कि आप, यू आर वेटिंग फॉर सर्टेन सर्कमस्टांसिस. रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस योर बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन. दैट गोज बैक टू माई ओरिजिनल थिंग, दैट लाइफ डज नॉट फॉलो योर टाइम टेबल, लाइफ हैज इट्स ओन टाइम टेबल, विच लाइफ आई मेंट इज एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस. सो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस आर नॉट इन योर कंट्रोल. दे से द बेस्ट बिजनेस प्लान इज विच does not have more than 20% dependency. Again, I'll repeat, more than 20% dependency on external factors. That is generally considered as the best business plan or most risk, not averse, but more risk prepared business plan. Doesn't mean that 20% cannot cause havoc. 20% bhi aapko leke doob sakta hai, but एटलीस्ट 80% चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं. डुबा सकता है फिर भी कर सकता है, बट 80% आपने किया है तो आप एक घर में जाके सो सकते हैं ढंग से. उसमें क्या होगा कि आपने ऐसा प्लान किया हुआ है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट है, मार्केट अभी इस समय ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, मेरा प्रोडक्ट मार्केट को यहाँ ले जाएगा और मार्केट अंडर दीज सर्कमस्टांसिस जब मैं लॉन्च करूँगा तब तक मार्केट में सब चल रहा होगा और मैंने लॉन्च किया, और अगर मान लीजिए मार्केट डूबने भी लगी, थोड़ा स्लो भी होने लगी, फिर भी लोगों को ये जरूरत रहेगी. ये मैंने पहले बात कर चुका हूँ, मैं एस्पिरिन टायलोनॉल, हम यूएस में हम बोलते हैं कि बेस्ट स्टार्टअप इज द वन हुज प्रोडक्ट्स आर मोर लाइक पेन किलर्स, नॉट वाइटामिन्स. दैट यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव दैट प्रोडक्ट. दैट्स, यू नो, आई मीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. I have a problem of, now to do a simple example of setting up meetings across multiple teams in the world. There's a great product the other day I used called Doodle. I'm making a pitch for the product. I just set up a link, it was free, initial version was free. I just set up a link to everybody. Everybody put their availability and we had a meeting time and we had a meeting. Now, even though it's a small, I may not have paid for it, but I mean, they do have ability to give you advanced features. But I was pretty intrigued by that product because someone like me who has teams all over the country, all over the world, does have that problem. Mere liye wo problem hai, genuine problem. Aur chahe wo market down ho, upar ho, wo ek hi condition mein usme us tarah ka product ki market down ho sakti hai, wo condition yahi hogi ki log internet nahi chale. इंटरनेट चल ही नहीं रहा, लोगों का डाउन हो गया है इंटरनेट दुनिया में या कहीं कंट्री में या कहीं पर, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट यूजलेस है, राइट? पर वो होना बहुत कम है बिकॉज इस समय वो तो है ही हमारा, हम सब लोगों का कोविड के टाइम में बिजनेस चला क्योंकि इंटरनेट और बिजली तो चल रही थी तो हमारे सब एम्प्लॉय काम कर पा रहे थे. बट वो हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस डिपेंडेंट हो कि लोग कहीं पर जाएं, खड़े हों, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फेस दिस प्रॉब्लम ड्यूरिंग कोविड, कि लोग इकट्ठे हों, शादियां हों, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थ्राइव्स और उनको क्या कर सकते हैं,
कोई नया आइडिया उसमें लेके भी आता तो कुछ नहीं था, राइट? 20% ऑफ योर बिजनेस प्लान इज ओनली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. रिमेनिंग 80% इज ऑन इंटरनल. इंटरनल मीन्स प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए, प्रोडक्ट में वो फीचर होने चाहिए, एबिलिटी टू सेल, ये सब इंटरनल है. फंडिंग फॉर दैट, आई मीन दोज आर थिंग्स स्टिल यू कैन कंट्रोल टू एक सम डिग्री. बट यू नो, मैंने मुझे इतनी फंडिंग चाहिए, पाँच पहली हो गई. इसे मान लीजिए शुरुआत अपने की, उस समय आपके 50% और 60% रिस्क है आपकी बिजनेस में. आपने प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बना लिया, कम हो गया, फंडिंग हो गई और कम हो गया, ऐसा करते करते आप 20% वाले पे आ गए. तो फिर ऐसी चीज़ें रहेंगी खाली कि हाँ इंटरनेट नहीं चला, बिजली चली गई, ये हो गया, उस तरह की चीज़ें जो हैं वही आपको डुबा सकती हैं, और चीज़ें नहीं. तो आपका अच्छा बिजनेस है.